नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल घरेलू इलाज पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा और चर्म रोग को ठीक करने का सबसे सरल आसान बेहतरीन घरेलू उपाय बता रहा हूँ। अगर आप दाद, खाज, खुजली ठीक करने के लिए तरह तरह की दवा कर चुके हो और अभी तक की दाद, खाज, खुजली खत्म नहीं हो पाया है तो यह वीडियो को आखिरी तक ध्यान से जरूर देखें और हमारे बताए जा रहे उपाय को करें। इससे आपके सालों साल पुराने दाद, खाज, खुजली खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इस तरह से एलोवेरा रख लीजिए। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह से ओरिजिनल एलोवेरा नहीं है, प्राकृतिक एलोवेरा उपलब्ध नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, पतंजलि में एक एलोवेरा आता है, पतंजलि के एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप इस तरह से एलोवेरा रख लीजिए और आपको इसका जेल निकालना है। देख लीजिए आपको कुछ इस तरह से करना है। दोस्तों आपको इस तरह से एलोवेरा कटा हुआ रखना है और आपको इसका जेल निकालना है। देख लीजिए आप जो है कुछ इस तरह से एलोवेरा का जेल निकाल लीजिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप एलोवेरा का जेल निकाल लीजिए, यह आसानी से निकल जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, दोस्तों आपको जो है 2 से 3 इसमें कपूर मिला देनी है। आप 2 से 3 इसमें कपूर मिला दीजिए। इस तरह से दोस्तों आपको कपूर को क्रश करके मिला देनी है। कपूर हाथ से इजी से क्रश हो जाता है। इस तरह से आप जो अपने हाथों से कपूर को क्रश कर सकते हो। अब दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए तीसरी और अंतिम चीज लेंगे, वह है नींबू का रस। तो आप काटा हुआ एक इस तरह से नींबू का हिस्से रख लीजिए और आपको इसमें नींबू का रस मिलानी है। दोस्तों नींबू के रस में अधिक मात्रा में सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, जो पुराने से पुराने दाँत, खाज, खुजली को खत्म कर देते हैं। तो आपको एक काटा हुआ नींबू का रस पूरी तरह से इसमें मिला देनी है। आप एक काटा हुआ नींबू का पूरा रस इसमें मिला दीजिए। इस तरह से आपको मिला लेनी है। अब दोस्तों इसे आपको चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करनी है, एक लेयर की तरह तैयार करनी है। दोस्तों अब हमारे नुस्खा बन करके तैयार है। इसका इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है जान लीजिए। दोस्तों आपने जो नींबू मिलाया इसमें, नींबू का एक आपने हिस्से रखे थे, वही हिस्से आपको इस तरह से रखना है और नींबू को आपको इसमें इस तरह से डिप कर देनी है। फिर आप अपने दाँत, खाज, खुजली वाले हिस्से पे इस तरह से लगा दीजिए। आपको 2 से 3 मिनट तक इस तरह से लगाना है और रगड़ देना है। दोस्तों आप अच्छी तरह से इस तरह से लगा करके रगड़ दीजिए। इस तरह से आपको लगाना है और रगड़ना है। दोस्तों यह उपाय आपको दिन में 3 बार करना है। आप सुबह कीजिए, शाम में कीजिए और दोपहर में कीजिए। तो दोस्तों इसके केवल 3 ही दिनों के प्रयोग से आपके पुराने से पुराने भयंकर से भयंकर दांत, खाज, खुजली खत्म हो जाएंगे। अगर आप दांत, खाज, खुजली खत्म करने के लिए तरह तरह की क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं, तरह तरह की दवा का इस्तेमाल कर चुके हैं और अभी तक आपके दांत, खाज, खुजली खत्म नहीं हुआ है, दोस्तों खत्म तो हो जाते हैं और अगर आपके त्वचा में फिर से आ जाते हैं तो यह उपाय कर सकते हो। यह उपाय काफी रामबाण की तरह काम करता है और आपके सालों साल पुराने दांत, खाज, खुजली को जड़ से मिटाकर करके रख देते हैं। तो दांत, खाज, खुजली खत्म करने के लिए यह उपाय कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे यह वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर होगा। हो सके तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। नमस्कार।